साथियों, आप सभी को नमस्कार। राम राम, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और एक अच्छी न्यूज़ ये चल रही है कि ग्रुप डी में आपकी 1 लाख से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी बहुत जल्दी आ सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे सभी साथी, मेरे सभी भाई बहन बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे और इस बार अपना सिलेक्शन ज़रूर लेंगे। तो आज हम सभी बातों पर चर्चा करेंगे कि 2022 में कट ऑफ आपकी कितनी गई थी और 2024 में कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है। आप इसके अकॉर्डिंग इतनी कट ऑफ मान के अगर तैयारी करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन ही जरूर होगा और आप अच्छी रैंक लेकर आप सेलेक्ट होंगे रेलवे में। तो और सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ध्यान से सुनेंगे सभी। और अगर आप तैयारी करने का टारगेट कर रहे हैं ग्रुप डी को, तो इससे कम बिल्कुल भी टारगेट ना बनाएं। चाहे आपसे कोई कुछ भी कहता है कि भाई कितनी कट ऑफ कम जाएगी, दोस्तों इससे कट ऑफ कम नहीं जाएगी। मैं सभी जोन वाइज की जो है सभी जोन वाइज की एवरेजन कट ऑफ मैंने आपको बताई है। किसी जोन की थोड़ी कम चली जाती है, 2-3 क्वेश्चन, किसी की ज़्यादा। तो आप सिर्फ इतना फोकस करके चलिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो हम सभी बातों पर डिस्कशन करेंगे कि फॉर्म कब होगा, एग्जाम कब है, कट ऑफ क्या है। अगर हम फॉर्म की बात करें तो दोस्तों अभी जून चल रहा है, जुलाई और अगस्त, या तो अगस्त एंड या सेप्टेम्बर में आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे। मैं बिल्कुल सच सच आपको बता रहा हूँ, किसी भी बात में आपको गुमराह नहीं होना है कि आपके फॉर्म अभी आ जाएंगे, नेक्स्ट मंथ आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। अभी 1.5 से 2 महीने आपके फॉर्म में समय लग जाएगा, जो भी जानकारी मिल रही है दोस्तों। तो आप मान के चलिए अगस्त, अगस्त या सितंबर आप मान के चलिए फॉर्म। लेकिन अगर हम बात करें एग्जाम के लिए, तो एग्जाम जो है दोस्तों आपका बहुत जल्दी होगा। और मुझे उम्मीद है कि एग्जाम, जैसे जैसे न्यूज़ मिल रही है कि आप मान के चलिए जनवरी से फरवरी, या मैक्सिमम अगर एग्जाम गया तो मार्च, तो आप मान के चलिए 6-7 महीने हैं। और ग्रुप डी, इससे बेहतरीन नौकरी अगर आप लेना चाहते हैं तो कोई नौकरी नहीं है। अगर आप ग्रुप डी में सोच रहे हैं कि अगर आप योग्यता 10वीं पास है, आपके पास ITI है, तो इससे बेहतरीन मौका आपके पास नहीं हो सकता। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपके आपका सपना है और आपके माँ बाप का सपना है कि हमारा बच्चा गवर्नमेंट जॉब पे लग जाए, तो ग्रुप डी से बेहतर कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे खुफिया रणनीति। खुफिया रणनीति मैं आपको बताता हूँ, और अगर आप इस रणनीति पे पड़ गए साथियों, अगर 4 महीने इस रणनीति पे आपने काम कर लिया, चाहे कोई भी मेरा भाई शुरू से तैयारी कर रहा है पहली बार, चाहे उसने 10वीं 12वीं पास की है और पहली बार तैयारी करने लगा है, तो सभी ध्यान से सुनेंगे। तो आपको करना क्या है, करना ये है कि जो आपकी ग्रुप डी की 2019 में आपका पेपर हुआ था, और 2022 में जो आपका रिजल्ट आया था, जो एग्जाम हुआ था 2021-22 में, आपको इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेने हैं। उसके बाद आपको ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं दोस्तों, लेकिन आपको उनके चारों ऑप्शंस की जानकारी जरूर होनी चाहिए। जैसे आप GS की बात करते हैं, तो GS में पूछा है कि हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां है, तो 12। तो 12 के अलावा अगर उसमें कुछ और भी दे रखा है कि भाई उसकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। नागरिकता किस अनुच्छेद में है, तो वो कहता है कि 5 में। तो उसके बाद अगर आपको कहता है 12 ऑप्शन में सभी रहते हैं, तो उन सभी की जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आपने इतना पढ़ लिया दोस्तों, अगर आपने चारों ऑप्शंस को अच्छे से देखकर अच्छे से पढ़ा, तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। अगर आप मैथ्स की बात करते हैं कि परसेंटेज का आपका क्वेश्चन आया, और परसेंटेज में आपने देखा कि चुनाव वाला क्वेश्चन है, और चुनाव वाले क्वेश्चन में आप देखिए कि चुनाव वाला क्वेश्चन और किस टाइप से बन सकता है। सिर्फ आपको ये देखना है कि उसके आसपास का क्वेश्चन कैसा बन सकता है। ऐसे ही आपको सभी सब्जेक्ट्स को तैयार करना है, चाहे रीजनिंग हो। इससे अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ना है उसका रिवीजन अच्छे से करके उसको इतना स्ट्रांग कर लेना है कि आपका कोई भी क्वेश्चन आए अगर उस टॉपिक से, तो आप गलत ना करें। क्योंकि 100% लाने पे सिलेक्शन तो मिलता ही है, लेकिन अगर आप 60-65% अंक भी लाएंगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो आप अगर 70% पढ़ रहे हैं, तो ऐसा पढ़िए कि 70% में से आप 69% बिल्कुल एक्यूरेट करें अपने एग्जाम में। तो दोस्तों ये है हमारी खुफिया रणनीति। एग्जाम आने पर बहुत अच्छी अच्छी मैं रणनीति आपको बताऊंगा, अगर आप उस पर काम करेंगे तो आप यकीन मानिए कि बहुत अच्छे से अपना एग्जाम निकाल पाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि मेरे सभी साथी जो मुझे कंटिन्यू देखते हैं, सभी को विश्वास है कि भाई मैं बिल्कुल एक्यूरेट आपको न्यूज़ देता हूं समय पे। तो आप सभी कंटिन्यू
मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा और आपके एग्जाम में बहुत कारगर साबित होगी। तो हम कट ऑफ की चर्चा करते हैं, इससे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सभी वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप ही का परिवार है, और अपनी कमेंट जरूर करना कि आपको रणनीति कैसी लगी है, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है। तो अगर कब कट ऑफ को देखते हैं दोस्तों, तो 2022 की जो कट ऑफ थी आपकी, ये मैं बताया कि भाई एवरेजन में कट ऑफ बता रहा हूँ कि एवरेजन जो कट ऑफ थी आपकी 2022 की, अगर आप देखें जर्नल EWS OBC SC ST ये सब आपके सामने है, ज्यादा नहीं है, 90 नंबर का पेपर आता है आपका। देखिए क्या कट ऑफ है, कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको पेशेंस रखना है, अच्छे से तैयारी करनी है। इससे आसान आपका, इससे आसान जॉब लेना कहीं भी नहीं है दोस्तों। इसमें जितना आसान है नौकरी लेना, इससे ज्यादा आसान आपको कहीं नौकरी नहीं मिल सकती। अगर आपने 6 महीने अगर पढ़ लिए तो यकीन मानिए कि आप बहुत अच्छी रैंक लाके सिलेक्शन लेंगे और अपने माँ बाप का सपना जरूर पूरा करेंगे। तो आप देखिए 2022 में कितनी कट ऑफ गई थी, कोई ज़्यादा नहीं है, और 2024 में कितनी जाने की संभावना है, वैकेंसी आपको बराबर ही देखने को मिलेंगी। 2022 की जो कट ऑफ आई थी, यहाँ भी 1 लाख कुछ वैकेंसी थी, और इस बार भी आपको 1 लाख से अधिक पद देखने को मिलेंगे रेलवे ग्रुप डी में, और तो उसकी कट ऑफ भी जो है इसी के आसपास रहने वाली है। अब स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट है कि भाई ये जर्नल की जो कट ऑफ है यहाँ पे कम हो गई, और अगर हम देखें पिछली बार OBC की कट ऑफ कितनी गई थी EWS से ज़्यादा। उसका कारण है कि दोस्तों जब EWS, जब भी वैकेंसी आई थी तो EWS जो है उसी समय लागू हुआ था, तो उस समय बहुत स्टूडेंट्स ने अपना EWS का सर्टिफिकेट नहीं बनवाया था, इसी कारण कट ऑफ EWS की कम रही थी। आप देखिए OBC से भी SC से कम रही थी, आप देखिए EWS, लेकिन इस बार क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने EWS का सर्टिफिकेट बना लिया है और इस बार कट ऑफ EWS की बढ़ेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस कट ऑफ को मानकर तैयारी करें और मुझे उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो साथियों आपको अगर कोई अपनी राय रखनी है तो आप कमेंट में रख सकते हैं, किसी का कोई भी डाउट है मेरे किसी भाई बहन का तो आप कमेंट करिए, मैं एक एक कमेंट का आपको जवाब दूंगा, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे और अपना सहयोग और अपना प्यार हमेशा बनाए रखिए। आपको फिर से मेरी तरफ से एक बार सभी को राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।